हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग मोनोक्रोम पेंटिंग पे काम किए थे। कितना इम्प्रूव हुआ, कितना काम किए हो तुम लोग? कुछ हुआ है काम? करो, उसको अच्छे से करो। सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया गया था उसको, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। उसको करने का कोशिश करो, मोनोक्रोम पेंटिंग को। आज हम लोग वाटर कलर पे पेंटिंग करने जा रहे हैं, वाटर कलर टेक्निक सीखने जा रहे हैं हम लोग। वाटर कलर टेक्निक यानी पानी से करने वाला पेंटिंग को वाटर कलर टेक्निक बोला जाता है। लेकिन ये गलत है। गलत ये है कि पानी से तो वाटर मीडियम, तो एक्रेलिक कलर भी वाटर मीडियम है, फैब्रिक कलर भी वाटर मीडियम है, इवन आजकल वॉयल कलर जो आता है वो भी वाटर मीडियम है। तो पानी को यूज करके जो पेंटिंग करते हैं, इसलिए उसको वाटर कलर नहीं बोला जाता है। वाटर कलर बोलने का मतलब है कि वाटर की तरह ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट कलर। जो कलर नीचे का एक डार्क कलर है और उसके ऊपर हम लाइट कलर कोई लगाते हैं, तो वो जो डार्क है वो और लाइट कलर मिलकर के एक नया कलर दिखता है। टेक्निक दो तरह का टेक्निक होता है, एक टेक्निक वाटर कलर टेक्निक और एक होता है टेम्परा टेक्निक, ओपेक टेक्निक बोलते हैं उसको। ओपेक टेक्निक क्या होता है, कलर को वाइट मिला देते हैं तो उसमें वो कलर ओपेक हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आज वाटर कलर टेक्निक करेंगे। वाटर कलर टेक्निक थोड़ा सा टफ है। टेम्परा ऐसा है कि अगर तुम कुछ गलती करते हो तो उसके ऊपर फिर से कलर लगा करके उसको सुधारा जा सकता है। पर वाटर कलर टेक्निक थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि एक बार अगर वाटर कलर का इम्प्रेशन पड़ जाता है तुम्हारे पेज पे, तो उसको हटाना, रिमूव करना आसान नहीं होता है। तो उसी टेक्निक पे हम लोग काम करेंगे। कुछ छोटे छोटे जैसे एक लैंडस्केप बनाएंगे। जनरली सब लोग लैंडस्केप बनाते हैं, तो वही एक लैंडस्केप बनाएंगे हम लोग और उसको कैसे कलर करते हैं वो बताएंगे। कैसे फ्लो कराया जाता है कलर को, पानी के साथ फ्लो कैसे कराया जाता है, और कैसे डार्क किया जाएगा, कैसे लाइट किया जाएगा, कैसे पैच दिया जाएगा। तो ये जो पूरा टेक्निक है उसमें पैचेस भी होते हैं, उसमें फ्लो करा के काम करते हैं, बहुत तरह से उसका पेन एंड वास में भी काम करते हैं। जो पेन से ड्राइंग कर दिया और उसके बाद उसमें हल्का सा कलर लगा करके काम करते हैं, वाटर कलर का काम करते हैं, तो वो उसको पेन एंड वास टेक्निक बोलते हैं। स्प्रेड टेक्निक मतलब वो पूरा फ्लो करा के जो काम करते हैं उसको स्प्रेड करके स्प्रेड टेक्निक बोला जाता है। पर नॉर्मल जो हम लोग पेंटिंग करते हैं जिस टेक्निक में, उस पेंटिंग उस पे आज हम लोग काम करेंगे। तो ध्यान से देखोगे तुम लोग, बहुत अच्छा लगेगा। और ये उम्मीद के साथ यही होप रखते हैं कि इसको तुम सब घर में प्रैक्टिस भी करो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक इम्प्रूवमेंट होगा तुम्हारा, 8 भी कंटिन्यू तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट ही रहेगा। तो इसीलिए तुम्हारे वर्क में एक इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअली एक इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। 6 में जो काम किए उससे 7 में उससे अच्छा होना चाहिए, 7 में जो काम किए उससे 8 में अच्छा होना चाहिए, फिर 9 10 में, फिर अलग अलग ईयर, हर ईयर में तुम्हारा जो सिलेबस भी जो है, जो काम है वो भी इम्प्रूव, मतलब वो चैप, वो तुम्हारा अलग अलग टॉपिक्स है वैसे ही टफ होते जाएगा, धीरे धीरे टफ होते जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज है, ये सब प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो फिर क्लास 10 तक में तुम बहुत अच्छा काम करने लगोगे। और फिर अगर क्लास 11 में फाइन आर्ट्स लेते हो, फिर क्लास 11 में अगर तुम फाइन आर्ट्स लेते हो तब तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगा तुम्हारे लिए। और एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है तुम सबके लिए कि इस बार क्लास 12th में, शायद पता नहीं तुम जानते भी हो कि नहीं जानते हो, तुम्हारे यहाँ क्लास 11 12 में एक सब्जेक्ट्स हैं,
फाइन आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, आर्ट का एक सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स पेंटिंग और फाइन आर्ट्स ग्राफिक। इसमें इस साल 12 स्टूडेंट्स को 100 आया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 99 आया है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। उसी तरह से ग्राफिक में भी 8 स्टूडेंट्स को 100 आया है और बाकी रेस्ट का मतलब 70% स्टूडेंट्स को 99 आया है। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे फाइन आर्ट्स का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और यही काम अगर किया हुआ रहेगा तो तुम्हारे क्लास 11th के लिए तुमको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारे पर अदर सब्जेक्ट्स का काफ़ी लोड रहता है, तो उस लोड को तुम कम कर सकते हो, क्योंकि ये अभी का ये प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ क्लास 11th में तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यही वाटर टेक्निक तुमको हम सिखा रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं वाटर टेक्निक। एक लैंडस्केप बनाएंगे, तुम ध्यान से देखोगे कैसे लैंडस्केप बना रहे हैं और कैसे उसको कलर कर रहे हैं। हम यहाँ पे ड्राइंग कॉपी लिए हैं, ड्राइंग कॉपी का यूज कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हम लोग मोनोक्रोम पेंटिंग किए थे, मोनोक्रोम पेंटिंग यानी सिंगल कलर के लाइट साइड से जो पेंटिंग करते हैं उसको मोनोक्रोम पेंटिंग बोलते हैं। पर यहाँ पे हम मोनोक्रोम में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टी कलर्स को यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे रंग्स को यूज कर रहे हैं। तो एक लैंडस्केप बनाते हैं, पहले एक ये हॉरिजेंटल लाइन दे रहे हैं। ये लाइन देने का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर का पार्ट स्काई हो गया और ये फोरग्राउंड जो है हमारा वो ये चाहे वो लैंड बोल लो, वाटर बोल लो, कुछ भी बोल दो। अभी हम ये ऐसे बांट दे रहे हैं तो क्या हो गया कि ये पानी हो गया और ये जमीन हो गया। तो यानी तुमको तीन चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा चलो एक पेड़ भी बना लेते हैं, बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनाते, छोटा सा एक पेड़ बनाते हैं। यहाँ पे बड़ा बनाना चाहते थे पर इसलिए बड़ा नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम स्काई को मेन दिखाने के लिए हम बड़ा नहीं बना रहे हैं, छोटा सा एक पेड़ बनाते हैं यहाँ पे। ये अंदर में इसका जो लाइन आ गया हॉरिजेंटल लाइन उसको हम मिटा दे रहे हैं, उसको रब कर दिए, लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। कोई स्केल का लाइन स्ट्रेट करने के लिए स्केल का जरूरत नहीं है। और दूर का बुशेस कर रहे हैं, ये दूर का बुशेस किया। यहाँ पे बाद में हम ग्रास बनाएंगे और ये पानी है हमारा, एक छोटा सा, बहुत बड़ा स्पेस वाटर का है तो इसीलिए एक छोटा सा बोट भी बना दे रहे हैं, एक बोर्ड कर दे रहे हैं। अब हम इसके लिए रिक्वायर्ड कलर जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट ब्लू निकाल रहे हैं। एक खास बात है कि जो भी कलर हम यूज़ कर रहे हैं ये आर्टिस्ट वाटर कलर है, पर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आर्टिस्ट वाटर कलर आपको लेना होगा। आपके पास जो अवेलेबल है वाटर कलर उसी वाटर कलर से आप काम कीजिएगा। सॉरी, हम पहले आपको बोले कोबाल्ट ब्लू निकाल रहे हैं लेकिन वो कोबाल्ट ब्लू नहीं था, वो अल्ट्रामेरिन ब्लू था, और अभी हम कोबाल्ट ब्लू निकालें जो हमारे स्काई के लिए ज़रूरत है। कोबाल्ट ब्लू और अल्ट्रामेरिन ब्लू में अंतर क्या है कि अल्ट्रामेरिन ब्लू डार्क ब्लू है और कोबाल्ट ब्लू उससे थोड़ा लाइट है। इसमें खास बात है कि इस कलर के लिए हम वाइट नहीं मिलाएंगे कहीं भी वाइट का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा बुशेस का काम करने के लिए हम थोड़ा सा लेमन येलो निकालते हैं और थोड़ा वर्डियन ग्रीन भी निकाल ले रहे। ग्रीन का दो शेड होता है हमारे पास, एक वर्डियन ग्रीन होता है और एक शेप ग्रीन होता है। ये दोनों ग्रीन को हम थोड़ा थोड़ा निकाल ले रहे हैं अपने कलर प्लेट पे और हम पानी भी हमारा कोबाल्ट ब्लू से बन जाएगा, पेड़ भी हमारा ग्रीन हो गया। हाँ, थोड़ा सा हम ब्राउन निकाल लेते हैं
ब्राउन को बर्न साइना बोलते हैं, ये ब्राउन निकाल लिए हम, थोड़ा येलो वॉकर निकाल ले रहे हैं। बोट के सेल में काम करने के लिए हम थोड़ा सा रेड भी निकाल रहे हैं, और ये रेड हम बर्मिलियन रेड का यूज कर रहे हैं। कहीं पे बाद में डार्क का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा ब्लैक भी हम निकाल ले रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम काम करना। ये एक बड़ा सा सरफेस है हमारे पास, और हम राउंड ब्रश से काम करेंगे। दो तरह का ब्रश होता है हमारे पास, एक राउंड ब्रश होता है और एक फ्लैट ब्रश होता है। राउंड ब्रश जो है, ये राउंड ब्रश है जिसका ब्रिसल राउंड में होता है, और ये फ्लैट ब्रश है। ये जो ब्रश है ये फ्लैट ब्रश है, ये इसका ब्रिसल फ्लैट होता है, और ये अलग अलग नंबर का होता है। ये सब तुम लोग जानते हो क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी तुम लोग काफ़ी काम कर चुके हो, तो तुम लोग इससे परिचित हो गए। राउंड ब्रश भी अलग अलग नंबर्स का ब्रश होता है, और ये ब्रश जो है हमेशा स्पेस के अकॉर्डिंग ब्रश को यूज करना चाहिए। अगर स्पेस हमारे पास बड़ा है तो हम थोड़ा मोटे ब्रश का यूज करेंगे, स्पेस कम है तो हम थोड़ा पतले ब्रश का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं बताएंगे कि इस जगह के लिए इस नंबर का आप यूज कीजिए, ये अपने लिए कन्वीनियंट होगा जो यूज करोगे। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं खाली। ये स्काई का एरिया है, स्काई का पोर्शन है, और इस स्काई के पोर्शन में हम वाटर स्प्रेड किए हैं, बहुत अच्छे से वाटर दिए हैं, पानी डाले हैं। और हम कोबाल्ट ब्लू हमारे ब्रिशल में थोड़ा सा ब्लू ज्यादा आ गया, इसीलिए हमको पानी लेना हो रहा है। और हम ऊपर की तरफ से कलर थोड़ा पतला हो गया था, ये हम लगा दिए हैं, और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। अगर छूट गया कहीं पे तो छोड़ दीजिए, यहाँ हमारा छूट गया कलर, यहाँ हमारा नहीं लगा, हम दोबारा कोई कलर भी नहीं लिए यहाँ से और इसको छोड़ दिए हैं। तुम देख रहे होगे कि ये जो है ये स्प्रेड कर गया, ये देखो, ये कलर जो है पानी जो हम पहले डाले थे और वो स्प्रेड कर गया, कलर बहुत अपने आप मिक्स हो गया। ये कलर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये यहाँ ऊपर की तरफ डार्क है और नीचे की तरफ लाइट हो गया है। ये यहाँ पे छूट गया था तो इसको छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें सेम कलर हम वाटर में देंगे, तो इसीलिए हम वाटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। वाटर के लिए डाल भी सकते हैं पर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमको इसमें वाइट स्पेस का जरूरत है ज़्यादा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पानी देंगे तो क्या होगा कि ये पूरे में कलर फैल जाएगा, लेकिन हमको इसके लिए वाइट छोड़ना है हमको, तो इसीलिए हम एक बार में यहां से ऐसे देख रहे होगे बीच बीच में हम छोड़े हैं। ये पानी का हो गया। अब हम यहाँ पे पीछे बुशेस बनाए हैं, तो इसमें हम पहले थोड़ा सा येलो डालते हैं,
ऊपर के तरफ येलो डाला, अगर ये स्प्रेड कर, क्योंकि स्काई में तुम पानी दिए हो सकता है कि ये फैल जाए, स्प्रेड कर जाए कलर, तो कोई घबराने का बात नहीं है और वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और करना चाहिए चाहिए, तो ये सुंदर दिखता है। अगर वो फैल जाता है तो घबराने का बात नहीं है कि सर मेरा आउटलाइन से बाहर हो गया, क्या करें, मेरा ख़राब हो गया, तो ऐसे नहीं करना है, वो अच्छा दिखता है। थोड़ा सा इसमें हम ग्रीन भी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूर का चीज़ है, दूर के चीज़ को हल्का रखना है, इसीलिए हम थोड़ा सा ग्रीन भी डाल दिए। ये पानी से, ये जो बुशेज है पानी से बहुत ही करीब है, सटा हुआ है हॉरिजेंटल लाइन, तो हम क्या करेंगे कि हम पानी में भी थोड़ा सा येलो कलर का इफेक्ट डालते हैं जो उसका रिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी, अभी देखो ऑलरेडी पहले हम ब्लू कलर लगाए थे और उसके ऊपर येलो लगा रहे हैं तो हमारा ये ग्रीन बन जा रहा है, लेकिन अगर यही ओपेक कलर होता तो ये, खैर ऐसा नहीं होता है ये। ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा जमीन का एरिया है तो हम क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ भी पानी दे देते हैं पहले, और इसमें हम पहले लेमन येलो का यूज करते हैं थोड़ा सा, फिर हम ग्रीन का यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हम पेड़ के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे जमीन में किए हैं उसी तरह से ये पेड़ का भी काम हो जाएगा, फर्स्ट टोन और सेकेंड टोन में अभी काम किए हैं बस। ये जब तक सूखता है, सूखते जाएगा क्योंकि वाटर कलर का है, बहुत आसानी से जल्दी से सूख जाएगा। थोड़ा सा हम अगर कहीं कहीं वाइट छूटता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा देखने में। इसमें थोड़ा सा हम ब्राउन भी लगा दे रहे हैं, इसमें येलो वाकर लगाए इसके ट्रंक के लिए। अब हम इसका मेन काम करते हैं, अब हम कलर का डार्क बनाते हैं। ये इस पार्ट को एकदम छोड़ दे रहे हैं, स्काई को छोड़ दे रहे हैं, हम बुशेस को भी छोड़ दे रहे हैं, अब हम सीधे वाटर पे आते हैं। पहले हम एक बोट जो यहाँ बनाए थे उस बोट में कलर लगाते हैं, उसके रिफ्लेक्शन के लिए। और डार्क ब्लू लेते हैं, अल्टामेरिन ब्लू हम निकाले थे पहले, तो वो अल्टामेरिन ब्लू लेते हैं और इसके ऊपर हम ये पार्ट थोड़ा टफ है, तुम मेरे हाथ को ध्यान से देखना हम कैसे काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है क्योंकि वो लाइन जो है वो स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए, ये लाइन, सामने की तरफ थोड़ा सा हम डार्क भी यूज किए हैं, बोर्ड के नीचे भी थोड़ा सा डार्क यूज करेंगे। फिर हम ग्रीन का एक डार्क बनाते हैं, ग्रीन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन में थोड़ा सा डार्क ब्लू लेके डार्क बना दिए, और डार्क बनाने के बाद थोड़ा सा जमीन में एक शेड डाल दिए हम।
यहाँ पे हम चलो प्लांट पेड़ में हम थोड़ा काम करते हैं, पेड़ को भी हम थोड़ा डार्क करते हैं, पैचेस देते हैं पेड़ में, उसके लिए भी ग्रीन बना करके नीचे के तरफ थोड़ा डार्क करके। ऑलरेडी इसमें फर्स्ट टोन सेकेंड टोन दिया हुआ था, अभी हम थर्ड टोन सिर्फ दे करके इसको हम निकाल रहे हैं। पेड़ के नीचे भी थोड़ा सा बुशेस, ग्रास, कहीं कहीं इस तरह से ग्रास हम दे सकते हैं। तो ये हमारा एक वाटर कलर का लैंडस्केप तैयार हो गया है, और ऐसे ही आपको काम करना है। बहुत इजी टेक्निक है ये काम करने का, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ये फ्लो कराओगे, एक्सपेरिमेंट करो, घर में हो अभी तुम लोग, आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, काम कर सकते हो। पेपर हैंडमेड पेपर है तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, और नहीं है तो खैर जो भी तुम्हारे पास पेपर है, जो भी एबिलिटी है उस पे तुम ये काम कर सकते हो। और एक खास बात कि आपको जो भी काम दिया जा रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वर्क को आप करके रखते जाए, क्योंकि एनुअल असाइनमेंट पे आपको सारा वर्क जमा करना, आपके पोर्टफोलियो में वर्क का सबमिशन है, इसीलिए जो भी वर्क है तो आप उसको अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रखते जाइए। तो ऐसा आप सब इस तरह का लैंडस्केप बना सकते हो। अभी लैंडस्केप बनाओ, एक सिंपल सा लैंडस्केप बनाओ, फिर बाद में हम लोग फिगर पे भी काम करेंगे, इसमें ह्यूमन फिगर पे भी काम करेंगे, इसको धीरे धीरे मिक्स करके भी काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक बार एक लाइट कलर लगाए, फिर सेकेंड टोन लगाए, फिर थर्ड टोन लगा करके उसको धीरे धीरे मिक्स करके भी काम कर सकते हैं। पर ये फास्ट टेक्निक में, वाटर कलर का फास्ट टेक्निक में काम किया गया है, तो इस तरह से आप लोग ये काम कर सकते हैं। पैचेस जो है इसको पैच बोलते हैं, ये जो है ये मिक्स हुआ, ये मिक्सिंग है, येलो से लाइट ग्रीन ये मिक्सिंग है, लाइट ब्लू डार्क ब्लू ये मिक्सिंग है, येलो लाइट ग्रीन ये मिक्सिंग है, येलो वॉकर ब्राउन ये मिक्सिंग है, पैच ये पैच हुआ। जो थर्ड टोन का जो काम हुआ ऊपर से,
वो पैच हुआ। समझ गए? आई होप हमको लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छा इंजॉय भी किए होंगे सब तुम लोग, आज इस वीडियो से इंजॉय भी किए होंगे। तो चलो ठीक है, फिर अगले क्लास के लिए मिलते हैं। बाय। थैंक यू वेरी मच।